गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने पेपर स्टाइल हमारी किस तरह की होगी इसके बारे में अभ्यास किया है। आज हम हिंदी में शुद्ध लिखना है, शुद्ध वाक्य हमें लिखने हैं, तो फिर विराम चिन्ह के बिना हमें शुद्ध लेखन कार्य कभी कर ही नहीं सकते। चाहे कोई भी भाषा हो, विराम चिन्ह अनिवार्य है। इसलिए आज हम विराम चिन्ह किस तरह के होते हैं, कब उसे कहाँ पर रखे जाते हैं, उसके बारे में अभ्यास करेंगे। तो विराम चिन्ह, आप इस तरह के विराम चिन्ह को देखा है, इस तरह का देखा है, इस तरह का देखा है, ये सारे अल्प विराम, खड़ी पाई बोलते हैं, उद्गार चिन्ह बोलते हैं उसे, और प्रश्न चिन्ह, ये सारे विराम चिन्ह आप हमेशा सब कोई भी वाक्य लिखते हैं या कुछ भी लेखन कार्य करते हैं तो उसमें आप इसका प्रयोग करते हैं, इसलिए उसके बारे में आप आसानी से जानते हैं। लेकिन अब कोई ऐसे भी विराम चिन्ह है जिसे कब रखना है, किस तरह कहाँ पर हमें वह विराम चिन्ह लगाने हैं, उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, तो हम आज उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे पूर्ण विराम, जिसे हम बोलते हैं खड़ी पाई बोलते हैं, ऐसा निशान करते हैं उसे क्या बोलते हैं, पूर्ण विराम, यानी कि खड़ी पाई। जब वाक्य पूरा खत्म हो जाता है, हमें जो कुछ भी कहना है वह हम पूरी तरह से कह देते हैं, तब ऐसा विराम चिन्ह लगाया जाता है, उसे खड़ी पाई बोलते हैं, हिंदी में खड़ी पाई करते हैं। फिर दूसरा है अर्ध विराम, अर्ध अल्प विराम, फिर अल्प विराम, फिर विस्मयादि बोधक यानी कि उद्गार चिन्ह, विस्मयादि बोधक यानी कि उद्गार चिन्ह, पची प्रश्न सूचक तो प्रश्नार्थ चिन्ह, अवतरण चिन्ह उसे उद्धरण चिन्ह भी कहते हैं, उद्धरण चिन्ह, फिर कोष्टक चिन्ह, योजक चिन्ह, निर्देशक, मैं आपको यहाँ पर नाम भी बताती हूँ और उसको कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे अल्प विराम, अल्प विराम, तो यहाँ पर ऐसा जो निशान होता है उसे हम क्या कहते हैं, अल्प विराम। थोड़ी देर के लिए जब हमें रुकना है, थोड़ी देर के लिए जब हमें रुकना है तो अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है, यानी कि इसी से, इसलिए, किंतु, परंतु, अतः, जिससे, क्योंकि, तथापि इत्यादि अव्ययों का प्रयोग होता है तब ये लगाया जाता है। थोड़ी देर के लिए रुकना या ठहरना, थोड़ी देर के लिए रुकना या ठहरना, वाक्य के बीच, वाक्य के बीच और इसी से, इसलिए, किंतु, किंतु, परंतु, अतः, अतः, जिससे, क्योंकि, जिससे, क्योंकि, तथापि इत्यादि, इत्यादि अव्ययों का प्रयोग होता है तब, अव्ययों का प्रयोग होता है तब,
ये लगाया जाता है। तो अल्पविराम कब लगाया जाता है? तो हम इसलिए किंतु परंतु अतः जैसे अव्यय का प्रयोग होता है तब भी अल्पविराम लगाया जाता है। फिर एक जैसी चीज़ें हमें एक साथ एक ही वाक्य में लिखनी है तब भी, यानी कि हम सब्जी लेने गए थे तब आलू मटर, तो आलू फिर अल्पविराम, मटर फिर अल्पविराम, ऐसी कई सारी सब्जियां हमें एक साथ में लिखनी है तो यहाँ पर हम अल्पविराम लगाते हैं और बाद में आदि करके हम उसे छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर अल्पविराम का प्रयोग कब होता है? तो थोड़ी देर के लिए रुकना या ठहरना उसका अर्थ होता है, लेकिन जब वाक्य में अव्यय का प्रयोग होता है तब भी अल्पविराम लगाया जाता है। एक जैसी चीज़ें एक साथ हमें लिखनी है तो तब भी हमें एक के बाद दूसरा ही चीज़ लिखने के लिए बीच में अल्पविराम लगाया जाता है। अब हम दूसरा अर्धविराम चिन्ह, अर्धविराम चिन्ह, अर्धविराम चिन्ह, इसका ऐसे फिर इस तरह उसका संकेत है। तो जब अल्पविराम की अपेक्षा कुछ देर तक ठहरने की आवश्यकता हो, जब अल्पविराम की विराम की अपेक्षा, यानी कि अल्पविराम से, अल्पविराम में थोड़ी देर के लिए ठहरते लेकिन उससे थोड़ा ज़्यादा, उससे थोड़ा ज़्यादा रुकने की अपेक्षा जब हम रखते हैं, अल्पविराम की अपेक्षा कुछ देर तक ठहरने की आवश्यकता हो आवश्यकता है। और एक वाक्य का दूसरे वाक्य के साथ संबंध दिखाना है, और एक वाक्य का दूसरे वाक्य के साथ संबंध दिखाना है, संबंध दिखाना हो तो अर्ध अल्पविराम चिन्ह लगाया जाता है। अर्ध अल्पविराम चिन्ह, जब अल्पविराम की अपेक्षा कुछ देर तक ठहरने की आवश्यकता हो और एक वाक्य का दूसरे वाक्य के साथ संबंध दिखाना हो तब अर्ध अल्पविराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। दूसरे एक वाक्य का दूसरे वाक्य के साथ संबंध हो, यानी कि ये पूरा वाक्य एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ हो तब। फिर तीसरा है पूर्ण विराम, यानी कि खड़ी पाई, पूर्ण विराम यानी कि उसे हिंदी में खड़ी पाई बोलते हैं, जिसका संकेत इस तरह का है। कभी कभी किसी व्यक्ति या वस्तु का सजीव वर्णन करते समय वाक्यांश के अंत में भी पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जब पूरा वाक्य जो भी बात हमें बतानी है कहनी है वह खत्म होने पर पूर्ण विराम लगता है। तो फिर कभी कभी किसी व्यक्ति या वस्तु का सजीव वर्णन करते समय वाक्यांश के अंत में भी पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। तो पूर्ण विराम कब लगाया जाता है? तो आप अच्छी तरह वाक्य पूर्ण होने पर ध्यान, पूर्ण होने पर, अंत में लगाया जाता है, अंत में लगाया जाता है। Yeah.
जन गण मन को अंत में लगाया जाता है। उसके बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह यानी कि उद्गार चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह हर्ष दुःख आश्चर्य, हर्ष दुःख आश्चर्य, हर्ष दुःख आश्चर्य प्रशंसा, भय प्रशंसा भय आदि प्रशंसा भय आदि भावों को भावों या संबोधन सूचक शब्दों संबोधन सूचक शब्दों या वाक्यों के अंत में विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है। हम बोलते हैं कभी कभी कि हे भगवान, तो हे भगवान ऐसा उद्धार करके हम यहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह लिखते हैं। फिर कभी कभी किसी को कहते हैं भाई, हे भाई, त्रिलोक देवता, ऐसे जब संबोधन करते हैं किसी से तब हम विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाते हैं। कभी कभी अत्यंत हर्ष या दुख या आश्चर्य या प्रशंसा या भय के भाव हमारे हृदय में जगते हैं तब भी हम उद्गार चिन्ह लगाते हैं, यानी कि ऐसा भाव व्यक्त करने वाले वाक्यों में उद्गार चिन्ह यानी कि विस्मयादि बोधक अव्यय लगाया बोधक चिन्ह लगाया जाता है। उसके बाद प्रश्न सूचक चिन्ह किस कब लगाया जाता है, तो प्रश्न पूछने के बाद वाक्य के अंत में लगाया जाता है। प्रश्न सूचक चिन्ह तो प्रश्न सूचक वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक वाक्य के अंत में लगाया जाता है। जैसे कि तुम हमारे घर कब आओगे, तो उसके बाद हम क्या लगाते हैं, प्रश्नार्थ चिन्ह लगाते हैं। तो प्रश्न पूछने के बाद प्रश्न सूचक वाक्य के अंत में हम यह चिन्ह लगाते हैं। उसके बाद है अवतरण चिन्ह, इखरा और दुहरा। अवतरण चिन्ह को उद्धरण चिन्ह भी कहते हैं, उद्धरण उद्धरण चिन्ह।
तरह सिंगल बी और डबल उद्धरण चिन्ह। तो यह चिन्ह भी आप लिखावट में प्रयोग करते हैं, लेकिन कब करते हैं, किस तरह करते हैं, उसके बारे में हमें जानना है और फिर उसका सही जगह पर इस्तेमाल करना है। तो इखरा और दोहरा, इखरा यानी कि सिंगल और दोहरा यानी कि डबल अवतरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह दोनों हम इसे बोल सकते हैं। जहाँ कोई विशेष शब्द पद, जहाँ कोई विशेष शब्द पद वाक्य खंड इत्यादि उद्धृत किए जाए वहाँ इकहरे उद्धरण लगता है। इकहरा उद्धरण लगता है, पुस्तक समाचार पत्र लेखक का उपनाम समाचार पत्र लेखक का नाम उपनाम, लेखक का उपनाम, लेख का शीर्षक, लेख का शीर्षक, लेख का शीर्षक इत्यादि लिखते समय उद्धरण चिन्ह लगाया जाता है। उद्धरण चिन्ह तो जहाँ कोई विशेष शब्द पद या वाक्यांश या इत्यादि उद्धरण किए जाए वहाँ इखरा उद्धरण लगता है। पुस्तक समाचार पत्र लेखक का नाम या उपनाम लेख का शीर्षक इत्यादि लिखते समय उद्धरण चिन्ह लगाया जाता है। तो कभी कभी कोई किसी के बारे में कुछ कहना है, फिर जिसने जैसा भी कहा है वैसा ही जब हमें लिखना है उसमें किसी भी प्रकार का चेंज या बदलाव किए बिना जिस तरह जिसने जो बताया है उसे वैसा का वैसा हमें किसी लिखना है या किसी को बताना है तब भी यह दोहरा अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, तो किसी शीर्षक का नाम लिखना है, कोई पद का नाम लिखना है, कोई शब्द अलग रूप से हमें लिखना है या कोई शीर्षक देना है तब भी इसका प्रयोग करते हैं। तो कभी कभी किसी ने कुछ किसी के बारे में कुछ कहा है और उसके शब्दों को किसी भी प्रकार के बदलाव किए बिना वैसे के वैसे जब हमें लिखने हैं तब वह पूरा वाक्य वह पूरे उसके जो बोल है उसे हम अवतरण यानी कि दूर हो रहा अवतरण चिन्ह के बीच में
दूसरे लोग देखते हैं। पुस्तक चिन्हों, पुस्तक चिन्हों क्रमांक या क्रम सूचक अक्षर, क्रमांक या क्रम सूचक सूचक अक्षर, क्रमांक या क्रम सूचक अक्षर समानार्थी शब्द या समानार्थी शब्द या नाटकादि संवादों में, नाटकादि संवादों में, नाटकादि संवादों में यानी नाटकीय संवाद जब होते हैं ना तब यह कोष्ठक का प्रयोग करते हैं। तो नाटकादि संवादों में पात्र के हाव भाव की, पात्र के हाव भाव की, पात्र के हाव भाव की सूचित करने वाले पात्र के हाव भाव को सूचित करने वाले, सूचित करने वाले शब्दों को पात्रों के हावभाव को सूचित करने वाले शब्दों को कोष्ठक में रखा जाता है। कोष्ठक में रखा जाता है। देखो यहाँ पर कि यदि कोई नाटक के संवाद लिखे हुए हैं तो वहाँ पर हमें बताना है कि स्टेज पर शिवाजी महाराज आते हैं, तो जब नाटक जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता जाता है कि शिवाजी महाराज ने प्रवेश किया, लेकिन जब हम पढ़ते हैं तब क्या करना है, तो शिवाजी आते हैं फिर वह स्वयं नहीं बोलेंगे मैं आ गया ऐसा, लेकिन हमें उसे कंस में या कोष्ठक में लिखना पड़ेगा कि शिवाजी महाराज आ रहे हैं, शिवाजी महाराज तलवार म्यान में से खींच रहे हैं, ये सब हमें कोष्ठक में लिखना पड़ेगा, जिससे पाठक को जो पढ़ता है उसे पता चलेगा कि क्या हो रहा है और किस तरह की भूमिका वहाँ पर तैयार की गई है। तो ऐसे जो शब्द होते हैं वह क्या होते हैं, कोष्ठक में लिखे जाते हैं कि पढ़ता गीता है फिर लक्ष्मीबाई गीता पढ़ना शुरू कर देती है, तो वहाँ पर गीता पढ़ती है वो लिखना है वो हमें कोष्ठक में बताना पड़ेगा। हम देखते हैं तो हम देख जब नाटक देखते हैं तब तो हम देख पाएंगे कि लक्ष्मीबाई क्या करती है, लेकिन पढ़ते हैं तब हमें पता नहीं चलेगा, तो उस वक्त हमें क्या करना पड़ेगा उसे कि लक्ष्मीबाई का गीता पढ़ना शुरू हो गया तो या गीता पढ़ती है वह हमें कंस में लिखना पड़ेगा। तो नाटकीय संवादों में पात्र के हाव भाव व्यक्त करने के लिए ये कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद योजक चिन्ह यानी कि संयोजक, योजक चिन्ह युजक चिन्ह सामान्यतः दो शब्दों को जोड़ता है, सामान्यतः चिन्ह दो शब्दों को जोड़ता है, सामान्यतः यह चिन्ह दो शब्दों को जोड़ता है और दोनों को मिलाकर एक समस्त पद बनता है,
लेकिन दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व बना रहे, जैसे दाल रोटी फल, जैसे दाल रोटी फल जैसे जो शब्द होते हैं वह दो शब्दों को जोड़ता है और बीच में दाल रोटी फल जैसे शब्द जब हमें लिखते हैं यानी कि सामासिक पदों में भी योजक चिन्हों का प्रयोग होता है। योजक चिन्ह यानी कि इस तरह की आपको दिखने को मिलेगा, जैसे दाल रोटी तो यहाँ पर बीच में माता पिता, तो यहाँ योजक चिन्ह दोनों शब्दों को जोड़ता है, फिर दोनों का अर्थ भी स्वतंत्र रहता है, तब इसका प्रयोग किया जाता है। फिर कभी कभी हमें लिखते लिखते यहाँ पर पहुँच जाते हैं लेकिन ये शब्द यहाँ पर पूरा नहीं होता, तब हम यहाँ ये योजक चिन्ह लगाकर जो बाकी के शब्द है ये यहाँ नई विधि से उससे लिखने की जब शुरुआत करते हैं तब भी योजक चिन्ह लगाया जाता है कि लिखते लिखते हमारा पेज खत्म हो गया फिर हमारा शब्द वहाँ पर क्या होता है टूटता है, तो वहाँ पर टूटा हुआ शब्द फिर से यहाँ जोड़ना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे जैसे कि जोड़ इतना ही यहाँ पर आया ताली आता तो यहाँ योजक चिन्ह लगाकर यहाँ जोड़ता है, इस तरह हम यहाँ पर शब्द क्या करेंगे पूरा करेंगे नई लिपि में, तो वहाँ पर भी योजक चिन्ह लगाया जाता है। उसके बाद निर्देशक चिन्ह वह भी ऐसा ही है, दिखने में ऐसा ही है लेकिन इससे थोड़ा बड़ा है। निर्देशक चिन्ह तो ये थोड़ा बड़ा है, निर्देश करना है कोई भी किसी पद की व्याख्या करने का या किसी विषय को विस्तार से समझने के लिए, किसी पद की व्याख्या करने या किसी विषय को विस्तार से समझाने के लिए समझाने के लिए निर्देशक चिन्हों का प्रयोग होता है। जैसे कि दशरथ राजा के चार पुत्र थे, ऐसा हम लिखते हैं पहले फिर उसके चार पुत्रों का नाम लिखते हैं। दशरथ राजा के चार पुत्र थे, ऐसा लिखते हैं ऐसे निर्देश करके राम लक्ष्मण इस तरह उसके नाम बताए जाते हैं, तो यहाँ निर्देशक चिन्ह लगता है। फिर लाघव चिन्ह हम देखते हैं कई जगहों पर, लेकिन इस चिन्ह का नाम आपको शायद पता होगा या नहीं, मैं नहीं जानती। यदि आपने पहले कभी पढ़ा है सुना है तो आपको पता होगा कि लाघव चिन्ह कैसा होता है, कहाँ पर उसका प्रयोग होता है। तो लाघव चिन्ह जो है देखो यहाँ पर आपको गुणविराम जैसा दिखाई देगा ऐसा, तो किसी प्रचलित शब्द का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए संक्षिप्त रूप लिखने के लिए
प्रयोग होता लघु चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे हम डॉक्टर पूरा नहीं लिखना चाहते तो यहाँ पर क्या करते हैं, डॉक्टर करके यहाँ इस तरह लिखते हैं। प्रयोग क्या है, लघु चिन्ह। तो किसी भी शब्द को हम पूरा लिखना नहीं चाहते हो तो इसका संक्षिप्त रूप दिखाने के लिए इस तरह लिखते हैं, लघु चिन्ह लगता है। फिर हंस पद या तात्पद, हंस पद या तात्पद, हंस पद या तात्पद। जब भी हम लिखते हैं तो लिखते लिखते बीच में कोई शब्द छूट जाता है तो बाद में हमें पता चलने पर उसे वहाँ पर रखना है, तो हंस पद या तात्पद लगाया जाता है। जैसे इसका इस तरह का उसका क्या है, सिंबल है यानी कि चिन्ह है। तो लिखते समय कोई शब्द बीच में छूट जाए तो हंस पद का प्रयोग करके उसे ऊपर लिखा जाता है। हम लिखते हैं कि बीच में कोई शब्द छूट जाता है तो यहाँ पर ऐसा करके यहाँ पर वो शब्द हम लिखते हैं। तो इस तरह हंस पद का प्रयोग हम कब करते हैं, उसे हंस पद भी कहा जाता है और काक पद भी कहा जाता है। तो आज हमने जो इस विराम चिन्हों के बारे में जानकारी प्राप्त की उसे आप अच्छे से याद कर लेना, कब किसका प्रयोग करना है वह समझ लेना, फिर अपने लेखन कार्य में उसका प्रयोग अवश्य करना। ओके, थैंक यू।